तैयार है नूपुर बताने के लिए कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स का डीमर्जर जो हुआ है किस कारोबार का हुआ है, डीमर्जर और क्या है स्वैप रेशियो, डिटेल्स बाकी क्या है नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, आज बजाज इलेक्ट्रिकल एक्स ऑफ डी मर्जर ट्रेड कर रहा है। अब जो बजाज इलेक्ट्रिकल लिस्टेड है उसमें सिर्फ कंज्यूमर और लाइटनिंग का कारोबार है। ईपीसी का जो कारोबार था जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर से रिलेटेड जो कारोबार थे कंपनी के, वो बेजल प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर कर दिए गए और उसका डी मर्जर आज हो चुका है। तो जो प्राइस एडजस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में 10 बजे दिखा था 10% नीचे, वो जो 10% 100-125 रुपये का है, वो बेजल प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन आपके सामने निकल कर आई है। अगर आप देखें तो आपके पास एक शेयर अगर आपके पास था बजाज इलेक्ट्रिकल का तो आपको मिल जाएगा एक शेयर बेजल प्रोजेक्ट्स का भी। और फिलहाल ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए काफी पॉजिटिव है क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखा है कि जो पावर बिजनेस था कंपनी का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो या फिर जो ट्रांसमिशन का हो, ये दोनों ही कारोबार में कंपनी ने घाटा किया था FY 2021-22 में। हालांकि पिछले साल सिर्फ 7 करोड़ के आसपास का मुनाफा आते हुए नजर आया था। टोटल रेवेन्यू में 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ईपीसी का, लेकिन ये लॉस मेकिंग होने के चलते जो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रेशियोज होते थे और जो मार्जिन होते थे वो डिप होते थे और वैल्यूएशन पर इम्पैक्ट लाते थे। अब ये कारोबार जब अलग हो चुका है तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के भी जो रेशियो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे, मार्जिन पिक्चर आपको बेटर होती हुई नजर आएगी क्योंकि लॉस मेकिंग अब जो कारोबार है वो अलग हो चुका है। अब बेजल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो करीबन 28,000 मेट्रिक टन पर एनम की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। पिछले साल 540 करोड़ का रेवेन्यू किया था जो कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 10% था। लॉस FY 2020 से FY 2022 में था, लेकिन FY 2023 में यहाँ पे 7 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया था कंपनी ने। ऑर्डर बुक अभी के फिलहाल देखें तो 1640 करोड़ के आसपास के। मैनेजमेंट काफ़ी अब जो है आगे चल के पॉजिटिव है इस कारोबार को लेकर, क्योंकि जो ऑर्डर बुक अब खड़ी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। उनका ये मानना है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रिटर्न रेशियोज भी सुधरेंगे, मार्जिन पिक्चर सुधरेगी और जो पावर का कारोबार अलग हो चुका है उसकी भी ऑर्डर बुक अब स्ट्रांग है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जो अब डीमर्ज पार्ट आपका सेपरेट हो गया, वो भी सेपरेटली लिस्ट होएगा, वो भी सेपरेटली लिस्ट होगा, लेकिन अभी सिर्फ जो लिस्टेड में है उसमें कंज्यूमर बिजनेस रह गया, कंज्यूमर बिजनेस रह गया है। जैन साहब, ट्रैक करते हैं सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स? करते हैं, और इनफैक्ट ये सेगमेंट बहुत बढ़िया लगता है मुझे, FMEG सेगमेंट और बजाज को देखिए। हमारा बजाज के अलावा बजाज पंखे और ये सब भी बहुत पॉपुलर रहे हुए हैं। सो ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते थे, अब देखते हैं डी मर्जर के बाद, बट ओवरऑल ये है कि वैल्यूएशंस महंगे है, सो दैट इज वन रीजन। बट एक लेवल के बाद बहुत बड़ा करेक्शन भी हुआ है, और डी मर्जर और इनमें वैसे फायदा होता है। मैंने ये देखा कि आप दोनों डीमर्ज कंपनीज को बाद में जब देखेंगे स्टैंडअलोन बेसिस पे, क्योंकि नंबर्स और रेशियोज और जब फंडामेंटल्स और सब अलग अलग दिखते हैं तो काफी चीजें रीवैल्यू होती है। सो इट इज नॉट बैड, जिन्होंने लिया हुआ वो कंटिन्यू करें होल्ड करना, बाकी जिनको लेना है वो दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बट ओवरऑल डीमर्जर से जनरली इन कॉर्पोरेट एक्शन से फायदा होता है, बिकॉज कंपनी का मैनेजमेंट जब कोई चीज ऐसे स्टेप्स लेती है तो सडनली उनका विजन या और ज्यादा कुछ क्लैरिटी आती है, तभी लेते हैं, एंड इन द लॉन्ग रन they will get benefited.